मेरे पत्रकार मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं इस वक्त आपके साथ जो बैठा हूँ यहाँ पर, अपने डेलीगेट से मिलने, सीनियर लीडर से मिलकर बातचीत करने के लिए और सपोर्ट मांगने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं जो कैंडिडेट बना हूँ, ये सभी ने मुझे एक तरह का प्रोत्साहन देके उन्होंने मुझे कैंडिडेट बना। मेरा बनने का पहले तो इरादा नहीं था। जब गांधी परिवार का सदस्य पहले ही कह चुके थे कि हम कोई इस चुनाव में नहीं आएंगे, तब सारे सीनियर लीडर्स, डेलीगेट्स अनेक राज्यों से फोन आने के बाद मैं ये तय किया, अब तो मैं लीडर ऑफ अपोजिशन कैबिनेट रैंक का हूँ। फिर मैं कंटेस्ट करने का मुश्किल होगा, फिर उसके बाद में मैं ये सोचा खड़गे अपने लिए सोच रहा है, देश के लिए और कांग्रेस के लिए नहीं सोच रहा। ये बात आएगी, इसीलिए मैंने पहले त्यागपत्र दिया कैबिनेट रैंक मिनिस्ट्री से और चुनाव में उतरा, वो भी सभी के सपोर्ट से। आप सब लोग देखे हैं जो जो सपोर्टर्स वहाँ खुद फॉर्म भरने के लिए आए थे और सैकड़ों प्रपोजर्स बाहर बैठे हुए थे, इतनी बड़ी भीड़ थी। जब सारे कांग्रेस के वर्कर्स, लीडर्स, डेलीगेट्स मुझे कंटेस्ट करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं और मनवाते हैं, तो मेरा फर्ज होता है कि कोई पार्टी के लिए मानूं। तो इसीलिए मैंने इस चुनाव में उतरा हूं और इस चुनाव में आने के बाद आप लोग पूछेंगे कि क्या प्रायोरिटी आपकी है, क्या है, ये आप सभी को मालूम है। मेरे पास कोई नया मैनिफेस्टो नहीं है, मेरा मैनिफेस्टो वही है जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो पहले था और उसके बाद उदयपुर में जो चिंतन मंथन शिविर में सारे एक्सपर्ट्स, 6 बड़े कमिटियां बना के, जिसमें पॉलिटिकल अफेयर्स, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सोशल जस्टिस के बारे में, किसानों के बारे में और इकोनॉमी के बारे में, फॉरेन अफेयर्स के बारे में, ये जो कमिटियां बनी थी, इन कमिटियों में से जो सार निकला वही उदयपुर डिक्लेरेशन और वही मेरा एजेंडा है, उसी को मैं अनुष्ठान में लाऊंगा और एक एक करके सभी को इम्प्लीमेंट करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। उसमें ऑर्गेनाइजेशन भी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, युवाओं को कैसा मदद करना चाहिए और बिलो 50 एज उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना, ये सारी चीज़ें जब उसमें है, अगर मैं कुछ नया एजेंडा लूँ तो वो उतना ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि 1000 से ज़्यादा डेलीगेट्स डेलिब्रेशन करके
चार महीने पहले, इलेक्शन से चार महीने पहले, तो ये ऑलरेडी मेरे पास है, उसी के तहत मैं चलूँगा। यही कहने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आप लोगों थोड़ी देरी हो गई, आपको भी हमको, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बस यही मेरी बात खत्म कर। या चार, एक दो तीन चार, वो मैं क्या, मैं भी एक सबसे वोट मांग रहा हूँ, सबके पास जा रहा हूँ, जो मेरे ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो मेरा प्रचार कर रहे हैं, अगर वो ठीक प्रचार करके लोगों को जमाते हैं तो क्या मैं ये कहूँ अरे आप मत बुलाओ किसको भी। अगर वॉलेंटरली अगर कोई आते हैं, क्या मैं ये कहूँ अरे तुम मत आओ भाई, मेरे पास आने के बजाय एक्स के पास जाऊँ? ये तो खुद ब खुद, अरे मैं खुद ही कैंडिडेट ही डेलीगेट्स का कैंडिडेट हूँ, मैं बार बार बोला, और सभी नेताओं ने मिल के मुझे कंटेस्ट करने के लिए कहा, और उसका रीज़न भी बताया। मेरे को कोई ये नया नहीं है, मैं तो 50 साल कंप्लीट किया हूँ और 55 साल ऑर्गेनाइजेशन में, छोटे से ब्लॉक लेवल से लेकर पीसीसी प्रेसिडेंट, सीडब्ल्यूसी, आज इसका मैं जो इस मैदान में उतरा हूँ, किसी के कहीं इससे नहीं। मैं आपके ही बात से मैं पूछना चाहता हूँ जी, सी आई एम गोइंग टू विन, नो डाउट अबाउट दैट, बट दिस इज ए इलेक्शन प्रोसेस, दिस इज, वी आर फाइटिंग डेमोक्रेटिकली, एंड शशि थरूर इज ऑल्सो माई ब्रदर, यंगर ब्रदर, ही इज, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू सर, हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर यू विल बी थ्रू, बिकॉज यू आर अ टॉल लीडर। आई एम गोइंग टू बी सपोर्टेड बाय ऑल, आई एम डेफिनेटली आई विल गेट इलेक्टेड, that is not, that is a different issue, but in election we have to fight, we have to follow the procedure, and I, as per our Indian National Congress constitution, I am doing it. Sir, AICC, sir, sir, ke aapne teen sawal puche, yes sir. My dear friend, I already told you, whatever decision taken in Udaipur declaration, how to strengthen the organization, that point is also there. We will go according to the party's constitution. Definitely, everything will be taken care of. Sir, after October 17, I think you are asking last question. One last question. Last question is there. ये देखो, ये झूठ है। अगर किसी को चोट लगी है मेरे, क्योंकि हमारे एरिया में कॉमन है, अगर किसी जगह कुछ कहते हैं तो वहाँ के वातावरण से वो बना हुआ रहता है, इसीलिए मैं ज़्यादा उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। अगर इस बात से किसी को ठोस लगी है, मैं रिग्रेट करता हूँ। सर, अभी अभी भारत में कांग्रेस एक बैड सिचुएशन से गुजर रहा है, तो अगर आप AICC का टॉप मोस्ट होल करते हैं, तो व्हाट विल बी योर एक्शन प्लान, व्हाट विल बी योर यूनिक डिस्टिंक्ट प्लान टू रिवाइव एंड रीऑर्गेनाइज कांग्रेस? अरे, दैट्स व्हाई आई टोल्ड, व्हेनेवर आई एक्सपेक्टेड दैट यू विल आस्क दिस क्वेश्चन, आई टोल्ड माय मैनिफेस्टो इज उदयपुर डिक्लेरेशन, एंड व्हाट एवर कांग्रेस पॉलिसीज अर्लियर has told to everybody, that will be my priority. I will follow that. Thank you. Sir, one question. No, I am not telling that. That is coming from your mind. I am putting my biodata. See, my becoming my block Congress committee president is denied. Vice president of district denied. District president is denied. Vice president KPCC denied. President denied. CWC denied. See, whatever position I have occupied, everybody knows those facts I am putting. I am not criticizing anybody. I will not criticize even Shashi Tharoor. Thank you. Thank you. Thank you.